हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड पुलिस भर्ती 2021 के बारे में। 2500 कॉन्स्टेबल और 150 पद तो पहले थे, लेकिन 170 पद आ रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो आज की खबर है, इसमें 130 पद दरोगा के इसमें बताए गए। तो आइए जानते हैं पूरी बात क्या है। अगस्त से शुरू होगी कॉन्स्टेबल और दरोगा भर्ती प्रक्रिया, तो डीजीपी ने दोस्तों ये कहा है। और कल दोस्तों जब डीजीपी नैनीताल आए थे तो उसमें डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि कोविड और विभागीय प्रमोशन के कारण कॉन्स्टेबल और उपनिरीक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में कुछ देरी हो चुकी है। अगस्त तक हर हाल में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अगस्त में दोस्तों इसके फॉर्म आने, आप निश्चित मानिए कि अगस्त में इसके फॉर्म आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों टलते गया, पहले मार्च में, फिर वैसे तो लंबे समय से, लेकिन फाइनली आपके सामने दोस्तों अगस्त में ये पद भी आई जाएंगे। लगभग लगभग सारे जो हैं वैकेंसियाँ निकल चुकी है। पटवारी, लेखपाल, वीडियो, बीपीडीओ पहले ही आ चुके हैं, बंदी रक्षक आई गया, सब कुछ लगभग आई गया है। तो बचा है सिर्फ और सिर्फ जो बची है भर्ती, वो है उत्तराखंड पुलिस कॉन्स्टेबल और SI की भर्ती। तो दोस्तों ये अगस्त माह में आ जाएगी और इसके लिए आप लोग तैयार रहिए। जो लोग अभी उत्तराखंड पुलिस भर्ती को लेकर तैयारी जिन्होंने शुरू नहीं की है, दोस्तों सब कुछ पहले इसमें आपका होगा फिजिकल, फिर उसके बाद होगा इसमें आपका रिटर्न एग्जाम। फिलहाल विभागीय प्रमोशन के बाद प्रशिक्षण भी चल रहे हैं और प्रयास है कि सभी के प्रशिक्षण पूरे होने के बाद विभाग में कांस्टेबल पद पर शुद्ध रिक्तियां मिल जाएंगी, जो लगभग 2500 के आसपास होंगी। अब दोस्तों 2500 होंगी या 2500 से ज़्यादा होंगी या 2500 से थोड़ा 2400 के आसपास, ये अभी कुछ भी फिक्स नहीं है। लेकिन आपके पद जो हैं दोस्तों लगभग लगभग 2000 से लेकर 2500 के बीच में ये पद आने हैं, ये पहले से ही तय है। और कांस्टेबलों की भर्ती दोस्तों ये तो रही, 2500 पद होंगे, तो बाकी बहुत ज़्यादा जो मौका है वो है कांस्टेबल, मतलब कि लगभग लगभग 2500 पद हैं। और SI के लिए जो है वो है 130 पद ऊपर। तो 130 दोस्तों पहले 170 आया था कई लंबे समय तक 170, लेकिन यहाँ पर पद कम है। ये कितने पद हैं ये दोस्तों अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। SI और कांस्टेबल में दोस्तों जो है पेपर अब UKSSC कराएगा इस बार, और आप लोग थोड़ा तैयार रहिए क्योंकि UKSSC का पैटर्न पहले तक UBTR ने उत्तराखंड जो दरोगा का पेपर था तब उस समय 2015 में कराया था। और कांस्टेबल में भी दोस्तों 20 नंबर की हिंदी रह सकती है और बाकी जो 40 उत्तराखंड है और 40 जो आपका GK GS रीजनिंग है सब इसमें भी रह सकता है, क्योंकि पहले तक जो होता था वो 30 क्वेश्चन हिंदी के आते थे। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या आयोग जो पुलिस का पैटर्न था पहले तक उस अनुसार पेपर होता है या फिर UKSSC के अनुसार ही होता है, क्योंकि पेपर इस बार तय है कि UKSSC को ही कराना है। तो दोस्तों अब तैयारी शुरू कर दीजिए, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बाकी और भी फॉर्म आपने कोई भी भरे हैं तो लगभग लगभग सेम है। बाकी उत्तराखंड पुलिस कॉन्स्टेबल में बहुत अच्छा मौका है, जो लोग बाकी SI के लिए पोस्ट कम है, और पूरी आप लोग जी जान से दोस्तों लग जाइए, क्योंकि ये साल नहीं तो दोस्तों लगभग अगर फॉर्म भर जाते तो दो तीन महीने में ही आपका फिजिकल भी हो जाएगा, और उसके बाद लगभग 30-35 दिन में या 40 दिन के भीतर आपका रिटर्न एग्ज़ाम भी करा लिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी, बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मिलेंगे बहुत जल्दी। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।